उठो बेटा, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। जी आपकी चाय। अरे बैठो, एक सेकंड मैं अपनी चाय तो ले आती हूँ ना। चलो लेके आओ। ठीक है सब? हाँ जी। सुनो, आज मैं शाम को 4 बजे तक आ जाऊंगा। सोच रहा हूँ आज तुम्हें और संस्कृति को रेस्टोरेंट ले जाऊं। अरे वाह, रात का डिनर हम साथ में करेंगे। ओके। अरे सुनो। हाँ। संस्कृति का कल होमवर्क कंप्लीट हो गया था? हाँ, वो मैंने करा दिया था। संस्कृति, संस्कृति जरा आना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं मॉर्निंग में शेविंग कर रहा था तो संस्कृति दौड़ती हुई आई और वो पानी की बोतल भर के ले गई। समझ में ही नहीं आया मुझे। अरे हाँ, वो मेरे पास भी आई थी सुबह। उसने मुझे बोतल दिया और मैंने उसको भर के दे दिया। खेल रही होगी, ऐसी बच्ची है। हाँ बच्ची है, मन में जो आता है कर लेती है। ठीक है, मैं देखती हूँ। देखो कोई आया है। हाँ जी अंकल। ऐसा है, सोसाइटी के पंप हाउस का मोटर ख़राब हो गया है। पानी अगले 24 घंटे तक नहीं आएगा। आप लोग पानी बहुत किफ़ायत से देखभाल के यूज़ कीजिएगा। पर ऐसा तो पहली बार हुआ है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं इस सोसाइटी में। रेयर केस में ऐसा होता है, कभी पहली बार ही हुआ है यहाँ पर भी ऐसा। पानी, पानी। अरे क्या हुआ आपको? पूरे घर में कहीं पे भी पानी नहीं है। मैं लाती हूँ पड़ोसी के घर से। बेटा पानी, पानी ये लो।
मेरी बेटी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा, आज हमारी बच्ची नहीं होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू बेटा, आज के बाद हम कभी पानी वेस्ट नहीं करेंगे बच्चा। बेटा तूने मुझे सिखा दिया, पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी।